नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। अंधविश्वास, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ऐसी गहरी खाई है जिसमें एक बार कोई गिर जाता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इस आधुनिक युग में भी समाज का एक तबका ऐसा है जो अंधविश्वास के सहारे ही सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक को कुछ लोगों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर इसका शिकार हुए लोगों को इससे कितना नुकसान होता है, इस बात का अंदाजा शायद ही हम और आप लगा सके। कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती है। बावजूद इसके लोग अंधविश्वास के इन चक्करों से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर कैसे लोगों की जान पर बन आती है, इसका जीता जागता उदाहरण है चतरा जिले की 17 साल की एक लड़की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिस्तर पर पड़ी बेजान सी 17 साल की यह लड़की मानसिक तनाव में है। स्थिति यह है कि लड़की कुछ बोल भी नहीं पा रही। डरी सहमी सी बस यूं ही बिस्तर पर पड़ी अपने ठीक होने का इंतजार कर रही है। यह लड़की चतरा की रहने वाली है और मानसिक तनाव से जूझ रही है। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तब परिजनों ने लड़की का इलाज डॉक्टर से न कराकर मौलवी से कराना शुरू किया। मौलवी ने इलाज के नाम पर लड़की को इस कदर प्रताड़ित किया कि आज वह कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। इलाज के नाम पर मौलवी ने लड़की को अगरबत्ती से कई जगहों पर जलाना शुरू किया। लड़की के शरीर पर इतने जख्म हैं कि उन जख्मों के दर्द को सह पाना मुश्किल हो गया। न्यूज विंग की सहयोगी ने जब परिजनों से बात की तब लड़की के पिता ने कहा कि गांव में कई लोग अपनी समस्या को लेकर उस मौलवी के पास जाते थे और उनकी समस्या समाप्त हो जाती थी। यही सोचकर और मौलवी के झांसे में आकर हम भी अपनी बेटी का इलाज करवाने मौलवी के पास गए थे। हमें नहीं पता था कि मौलवी इस तरह बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। कि इधर ही क्यों न झाड़ फूंक करते हैं, उधर काहे ले जाते हैं। नहीं नहीं, वहाँ सेवार होता है सब जिन जनात से, इस पर जल्दी सेवार कहा जाने गया ठीक होगा। अच्छे से मतलब है, शरीर को उसी समय नहीं जलाता कि क्या करता था अंदर में, वो हमने देखते थे। तब अगर ये बाद में किया है हुआ तो फिर सोमवार दिन था तो हम बोले कि हम कोई तरह से नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे घर। ऐसा कीजिए कि हमको छोड़िए, बीमारी जैसे तैसे और बीमारी वैसी फैल जा रहा है, हम नहीं रुकेंगे। बस सोमवार दिन के जे सुबह से झोलना स्टार्ट किया से सांझ तक झोला अगरबत्ती से। तो आपने बच्ची से नहीं पूछा? तो बच्ची के पूछे का बोल नहीं पा रहे थे, नहीं बोले थे, अभियो तक नहीं बोल रहा। तब फिर हम घरी घरी झोला हल नहीं, जैसे कि दो गो तीन गो एक बाजू एक बाजू जला लेता था और इसी तरह से झोलते जा रहा है कि बोलो 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 इसी तरह से। और इतना इतना लटकी तोड़ करके दतून जैसा कि गसावा तर ये सब में छाप देते। भगत वो का करते, वो झाड़े फूके लगल घरे से, घरे से झाड़े फूके लगल तो झाड़ तो फूक तो का आवे घर ही झोल झाल दिलो यार वो बेजत कर। हाँ तो यार गर्दनिया ही यहाँ और ये ने गोड़वा यार सूखले अगर बतिया से ने पिठिया देने खूब रगड़ा हल पिठिया देने सूखले रगड़ा पर जो है ना देखिए ये सब इथी हो रहा का ही? अब आप ठीक हो जाए थे ही जाए से देखने लगल ये वहाँ जो अभ्यास कर लगल का जाने थी अभ्यास करते कि का करते से। इस घटना के बाद लड़की बेजान सी हो गई है। परिजन द्वारा उसे रिम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। करीब 24 दिनों से बच्ची का इलाज चल रहा है। इन 24 दिनों में शरीर पर लगे जलने के जख्म तो भर गए हैं, लेकिन उसके मन पर लगे जख्म अब तक नहीं भरे। हालांकि परिजनों ने जब थाने में मौलवी की शिकायत की थी तब कार्रवाई करते हुए मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन क्या मौलवी की गिरफ्तारी मात्र से लड़की के जख्म भर जाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही हमारे और आपके पास हो, लेकिन जवाब तलाशने की जरूरत है। न्यूज विंग के लिए रांची से महक की रिपोर्ट।